रमेश सिप्पी बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है और जाना माना नाम है। रमेश सिप्पी को उनके हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। रमेश सिप्पी जो कि जेपी सिप्पी के बेटे हैं, आज उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो किरण जुनेजा से मिले और कैसे इन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और इनकी शादी हुई। पहले इन दोनों की पृष्ठभूमि को जानते हैं। रमेश सिप्पी का जन्म 1944 में हुआ था और उन्होंने बतौर बाल कलाकार 1953 में सहनसा फिल्म में काम किया। उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। उनके डायरेक्शन में पहली फिल्म जो थी वो थी अंदाज, जो 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्हें कामयाबी मिली और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि डायरेक्शन में ही उनको अपनी कैरियर बनानी चाहिए। 1975 में जब शोले रिलीज हुई थी तो उसके पहले रमेश सिप्पी को इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे का अभाव था। तो उन्होंने अपने पिता जीपी सिप्पी से इस बारे में बात की। जीपी सिप्पी ने उन्हें पैसे से मदद की और इस फिल्म को बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। बजट 3 करोड़ का, लेकिन सितारों की फीस, जो स्टार कास्ट थी, उनकी फीस लगभग 20 लाख रुपए ही थी। वजह यह थी कि इस फिल्म की शूटिंग में काफी रुपया खर्च हुआ था। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और उसके बाद निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई जो कि काफी हिट रही। यहां पर हम बात करते हैं एक्ट्रेस किरण जुनेजा के बारे में। किरण जुनेजा का जन्म 1964 में दिल्ली में हुआ था। उनकी परवरिश चंडीगढ़ में हुई, लेकिन पढ़ाई लिखाई जब वो दिल्ली में कर रही थी तो उनका ख्याल था कि वो एक्ट्रेस बने, और अपने सपने को पूरे करने के लिए वो दिल्ली से मुंबई आ गई। उन्हें पता था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, इसलिए उन्होंने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने सोच रखा था कि अगर वो बनेगी तो सिर्फ एक्ट्रेस ही, और अगर नहीं बन पाई तो शादी करके अपना परिवार संभालेगी। लेकिन उन्हें अपना कैरियर बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। खूबसूरत तो थी ही वो और एक अच्छी अदाकारा भी थी। 1984 में ही उन्हें अपनी पहली सीरियल पेइंग गेस्ट का ऑफर मिला। इसमें काम करने के बाद किरण जुनेजा को और भी सीरियल मिले। उनकी प्रसिद्धि तब बढ़ गई जब उन्होंने शेखर सुमन के साथ वाजनाम में काम किया। फिर क्या था, उन्हें देखते देखते काफी सीरियल मिलने लगे। इसी बीच एक ऑडिशन के दौरान उनकी मुलाकात रमेश सिप्पी से हुई। जब वो ऑडिशन दे रही थी तो ऑडिशन लेने वाले में रमेश सिप्पी शामिल थे। रमेश सिप्पी और किरण जुनेजा को पहली नजर में प्यार हो गया। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे से मिलना शुरू किया और लगभग 4.5 साल तक डेटिंग की। इन डेट्स के बाद इन दोनों ने फैसला किया शादी करने का। हालांकि रमेश सिप्पी पहले से शादीशुदा थे, तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी गीता को तलाक दे दिया। गीता से उनके 2 बच्चे थे, सीना सिप्पी और रोहन सिप्पी। बावजूद इसके रमेश सिप्पी और किरण जुनेजा ने 1986 में शादी कर ली। 1988 में उन्होंने महाभारत सीरियल में गंगा का किरदार निभाया। इस किरदार ने उन्हें हर घर में पहचान दिला दी। जब ये सीरियल दूरदर्शन पर आने लगा तब लोगों को लग गया था कि किरण जुनेजा एक्टिंग से ब्रेक नहीं लेगी, और ये सच भी था। उसे एक्टिंग से लगाव था और रमेश सिप्पी कभी भी उनके एक्टिंग के करियर में बाधा नहीं बनना चाहते थे। अकेला फिल्म में उन्होंने आदित्य पंचोली की पत्नी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कुछ एक और फिल्मों में भी काम किया, जैसे जब वी मेट। आज इन दोनों की शादी के इतने साल बाद भी दोनों काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भी हैं। किरण जुनेजा ने अपने कैरियर को छोड़ा नहीं, अब वो वेब सीरीज को भी डायरेक्ट कर रही है। इन दोनों का अपना कोई बच्चा नहीं है, वो रोहन सिप्पी और शीना सिप्पी को ही अपना बच्चा मानते हैं। रोहन सिप्पी अब पिता की विरासत को संभाल रहे हैं और फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि शीना सिप्पी की शादी शशि कपूर के लड़के कुणाल कपूर के साथ हुई है। आज इन दोनों शादी के लगभग 34 साल हो गए हैं। बावजूद इसके वो ऐसे रहते हैं जैसे कल ही प्यार हुआ हो। तो दोस्तों, ये रही आज की लव स्टोरी जो किरण जुनेजा और रमेश सिप्पी की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।